तो गाइस मैंने मोटर बंद कर दी है और आप देख सकते हो कि जो पहले पूरा धूल वाला था और अभी का मैं आपको फिर से रिजल्ट दिखाता हूँ धोने के बाद कि वो कितना क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो भी धूल मिट्टी वगैरह लगा है वो पूरा क्लीन हो गया है, कहीं पे भी धूल वगैरह नहीं है। तो ये इतना क्लीन हो जाता है ये सिस्टम से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंथन और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लम्बिंग टिप्स, जहाँ पे मैं आपको दूंगा टिप्स रिलेटेड टू प्लम्बिंग। सो आज का हमारा वीडियो है कि जैसे लोग आप अभी देख रहे हो कि धीरे धीरे ये सोलर रूफ टॉप का पूरा ट्रेंड आता जा रहा है और लोग अपने घर में सोलर रूफ टॉप डलवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो उसमें अगर आप सोलर पैनल तो लगा दिया पर उसको वॉश नहीं करोगे तो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो उसको आप कैसे इजीली वॉश कर सकते हो, एक तो मैन्युअली तो वॉश करते ही है अपने, उसके अलावा ऑटोमेटिक सिस्टम आप कैसे डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे खुद के घर पे भी पूरा धूल धूल वाला है, तो उससे क्या होगा आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे मेरा कम होता जाएगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो आइए हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम आप कैसे सेट कर सकते हो, इसको बेसिकली स्प्रिंकलर बोलते हैं, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम आप कैसे सेट कर सकते हो और कैसे आप उसको पानी का कनेक्शन दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मोटर भी लगाई है उसकी सेपरेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी टंकी है वाटर टैंक, तो यहाँ से मैंने जो मेन लाइन नीचे की साइड जाती है वहाँ से एक गैल्वेनाइज्ड टीम लगा के उसको यूपीवीसी का एक का कनेक्शन दे दिया है, और यहाँ पे ये एक ज़ोलोटो का वाल लगा दिया है। एक इंच की पाइप उसके लिए लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच पाए मोटर उसके लिए, यहाँ से तो एक की पाइप मैंने खींच लिया। और आप देख सकते हो मैंने ज़्यादातर बैंड यूज़ किया है, क्योंकि इस बैंड लगाने का रीज़न ही तो इसके से क्या होगा कि आपका प्रेशर ज़्यादा कटेगा नहीं। तो यहाँ से मैंने एक की लाइन लेके और सीधी ये मेरी लाइन उषा की पंप में जाता है। एक ये मोनो ब्लॉक है मोटर, तो यहाँ से इनलेट है, ये वाला इनलेट है और ये वाला आउटलेट है, तो आउटलेट ऊपर जाके उसको मैंने सेपरेटली लगा दिया है, जो भी स्प्रिंकलर वगैरह लगाना है वो हिसाब से। तो स्प्रिंकलर मैंने ऐसे सेट किए हुए कि एक एक स्प्रिंकलर करीबन दो सोलर पैनल वॉश कर सके ऐसे, और उसमें भी ये जो मैंने स्प्रिंकलर लिए ज़ीरो डिग्री से 360 डिग्री तक वो काम कर सके वो हिसाब से मैंने उसको डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो उसमें उसका मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा उसको आप कैसे सेट करिए। आप देख सकते हो कि ये दोनों पैनल के बीच में मैंने ये एक एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे, दो पैनल छोड़ के एक यहाँ पे एक लगाया है और यहाँ पे लगा, और ये जो भी जितने भी स्प्रिंकलर है वो 12 फीट वाला है, तो 12 फीट तक वो पानी थ्रो करते हैं। तो मैंने वो हिसाब से सेट किया है कि हर एक स्प्रिंकलर एक एक जगह पे दो दो बार पानी डाले। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक लगा हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा है और एक सामने तीसरा है, तो ये जितने भी चार पांच पैनल है उसमें दो दो तीन तीन बार पानी गिरेगा, वो हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। और हर एक कॉर्नर में पे लगाया ये, और इसके अलावा हर एक पैनल छोड़ के पैनल के सेंटर में लगाया हुआ है। तो अभी तो ये आप देख सकते हो बहुत सारी धूल वगैरह है, मैं चालू करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वॉश होता है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने यूपीसी वाटर टैंक के यूपीसी पाइप के अंदर होल करके और वॉशिंग का पूरा सिस्टम सेट किया था, पर उसमें मेरे को इतना पर्सनली इतना वो फील नहीं आया कि वो क्लीन हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी धूल मिट्टी वगैरह है, तो मैं चालू करके भी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे वॉश होता है। यहाँ पे आप दूसरा एक और भी कर सकते हो इससे, इस अच्छा धोने के लिए यहाँ पर सेपरेटेड वाल्व भी दे सकते हो, तो तीन चार स्प्रिंकलर के एक सेपरेटेड लाइन हो गई और दूसरे बाकी के तीन चार जो भी स्प्रिंकलर लगे उसकी दूसरी लाइन हो गई, तो उससे क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर तीन चार स्प्रिंकलर में मोटर में से ज़्यादा फोर्स मिल पाएगा। सो आइए हम चालू करते हैं। सो गाइस यहाँ से मोटर का सप्लाई दिया हुआ है मैंने,
और यहाँ पे जो ज़ोलोडो का वाल है, तो पहले अपने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़ोलोडो का वाल चालू कर देंगे। चालू, ये वाल चालू हो गया और थोड़ी टाइम रुकेंगे फिर, जब तक ये मोटर में पानी भरेगा उसके बाद अपने चालू करेंगे इसका वो सप्लाई का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, तो पानी आने के बाद आपको चालू करना है। तो उससे क्या होगा, पानी मोटर में ठीक से पानी भरा होगा तो वो ईजीली पम्प कर पाएगा। सो आपने वीडियो में पहले देखा कि कितना धूल वाला था, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको कितना अभी है, पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो एकदम मस्त क्लीन हो जाएगा। सो वो क्लीन करने के लिए मोटर मोटर यहाँ से चालू हो गई है। पानी खींचने का चालू हो रहा है, इसमें थोड़ी एयर आ गई है। दूसरी बार बंद, यहाँ पे एकदम चालू हो गया। मैं बोला जो बीच में थोड़ी एयर आ गई थी उसके रीज़न से अभी भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, एयर के कारण वो ठीक से खींच नहीं पा रहा। ये हो गया, अभी अपना फुल पिकअप के साथ चालू हो गया है। मैं आपको आगे से फ्रंट में से दिखाऊंगा तो एकदम क्लियर दिखेगा आपको, देख सकते हो पूरा क्लियर हो रहा है। एक एक जगह पे दो दो तीन तीन बार पानी गिर रहा है, वो एकदम वो पूरा क्लीन हो रहा है, और कैमरे के ऊपर भी पानी गिर रहा है। यहाँ पे ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाएं। अगर आपके घर पे भी सोलर लगा है तो ये पैनल, ये पूरा सिस्टम लगाने का ट्राई कीजिए, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।